वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है, आप ये जानना चाहते हैं कि आपके गर्भ में क्या है, तो ये वीडियो आपको ज़रूर पूरा देखना चाहिए, जिससे कि आप ये जान सकते हैं कि आपके गर्भ में बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है। आज के इस वीडियो में हम आपको बेबी गर्ल होने पर कौन कौन से संकेत मिलते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और ये जो वीडियो है, बड़े बुज़ुर्गों के अनुमान से और काफ़ी लोगों में ये देखी गई है, जिसके अनुसार से आपको बताया जा रहा है। हमारा उद्देश्य लड़की या लड़का में भेद करना बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ एक मनोरंजन के लिए बताया जा रहा है कि आपके उत्साह को कम करती है। और बड़े बुज़ुर्गों का अनुमान किस हद तक सही होता है, ये भी आप अनुमान लगा सकते हैं। चलिए जानते हैं। सबसे पहला जो संकेत होता है, आपके बच्चे की हलचल। दोस्तों, अगर आपके बच्चे की हलचल प्रेगनेंसी की शुरुआती महीने से ही, आपको पूरी प्रेगनेंसी आपके बच्चे की हलचल आपको काफ़ी ज़्यादा फील होती है, यानी कि आपका बच्चा काफ़ी ज़्यादा एक्टिव और चंचल है, और आपका जब बच्चे का फील हुआ था वो तीसरे या चौथे महीने में ही हो गया था, तो आपको ये संकेत बताता है कि आपके गर्भ में लड़की होती है। दोस्तों, अगर आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है, तो आपके बच्चे की हलचल आपको काफ़ी जल्दी फील हो जाती है, क्योंकि लड़कियां जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा चंचल होती है, जिनके कारण उनका फील आपको काफ़ी जल्दी हो जाता है। दूसरा जो संकेत होता है, आपकी प्रेगनेंसी में आपका निखार और आपके बालों का झड़ना कम हो गया है, पहले से ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी एक संकेत है जो कि बड़े बुज़ुर्ग देखकर भी ये बता देते हैं कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। क्योंकि जब आप बेबी गर्ल को कंसीव करते हैं, तो आपकी जो स्किन होती है उसमें ग्लो आता है, आपका बाल का भी झड़ना पहले से कम हो जाता है, साथ ही आपका बाल में शाइनी भी आने लगता है। तीसरा जो संकेत होता है, जो भी आपके प्राइवेट पार्ट होते हैं या तो निप्पल वाला जो एरिया होता है, उसके रंग में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, ना ही उसके कलर में कोई भी चेंजेस हुआ है, ये भी संकेत बताता है कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। क्योंकि जब आप बेबी गर्ल को कंसीव करते हैं, तो आपके शरीर में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, ना ही कोई भी कलर चेंज होता है। और नेक्स्ट जो संकेत होता है, जो नाभि लाइन होती है वो आपको डार्क न दिखाई देकर टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है, और ये जो नाभि लाइन होती है आपको ज़्यादा डार्क न दिखाकर हल्की फुल्की ही नज़र आ रही है, तब भी आपको समझ जाना है ये बेबी गर्ल का साइन होता है। और वही आप बेबी बॉय को कंसीव करते हैं, तो आपको ये जो नाभि लाइन होती है वो आपको डार्क और आपको सीधी नज़र आती है। और नेक्स्ट जो संकेत होता है, आपको प्रेगनेंसी में ज़्यादातर सीधा सोने की आदत है, और आपको ज़्यादातर सीधा सोना ही पसंद आ रहा है, तो ये भी संकेत बताता है कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। लेकिन आपको एक एडवाइस दे दें कि आपको प्रेगनेंसी में ज़्यादातर सीधा करवट लेकर नहीं सोना है, आपको इस समय करवट लेकर सोना है, जिससे कि आपके गर्भ में आपका बच्चा स्वस्थ रहता है और आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी 100% तक हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर ही पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन भी प्रेस कीजिए।